हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया। तो यार देखिए, जो ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 का जो गेम है ना, उसके अंदर देखिए आपको ट्रक कैसे आप इसके अंदर खरीद सकते हो, नया ट्रक कैसे खरीद सकते हो, उसी के साथ ही नए ट्रक को आप बेच कैसे सकते हो। अगर खेलते खेलते मन मर गया तो उसको आप बेच भी सकते हो। और भाई उसी के साथ ही आपका ये भी सवाल होगा कि यार मेरे अकाउंट में मतलब बैलेंस भी है, यानी मेरे पास कॉइन भी है ट्रक खरीदने के लिए, फिर भी मैं ट्रक नहीं खरीद पा रहा हूँ। तो जितने भी आपके सवाल है ना, टोटल सवाल का मैं आपको मतलब सॉल्यूशन इसके अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है? तो वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आप नया ट्रक कैसे खरीद सकते हो। तो सबसे पहले नया ट्रक खरीदने के लिए मैन मेनू के ऊपर आना है यहाँ पे। तो सबसे पहले नया ट्रक खरीदने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऊपर जो ट्रक का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करना है। और सबसे पहले तो देखिए, आप अपना बैलेंस एक बार चेक कर लेना, आपका बैलेंस माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस माइनस में होगा तो आप नया ट्रक नहीं खरीद पाओगे, ठीक है? और भाई उसी के साथ ही जैसे मान लीजिए आपको नया ट्रक खरीदना है ना, तो चलिए मैं एक ट्रक खरीद के इसके अंदर दिखा देता हूँ। तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, जैसे मान लीजिए आपके पास बैलेंस भी प्लस में है, ट्रक के लायक बैलेंस भी है खरीदने लायक, लेकिन फिर भी नहीं खरीदा जा रहा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे को ये वाला ट्रक खरीदना है, जैसे मैं परचेज के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो भाई ये यहाँ पर लिखा हुआ आता है। तो यार ये बोल रहा है कि हमको एक नया गैरेज खरीदना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है ट्रक खरीदने की। तो भाई इसके लिए नया गैरेज कैसे खरीदना है? तो भाई देखिए, इसके लिए ना नया गैरेज खरीदने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और अगर यह आ रहा हो तो इसको क्रॉस कर देना। और यहाँ पे भाई आपको गैरेज का ऑप्शन देखने मिलेगा, यहाँ पे इस गैरेज के ऊपर क्लिक करना है आपको, ठीक है? और आपको नया गैरेज खरीदना है ना, तो यहाँ पे देखिए बाय न्यू गैरेज, या तो आप नया गैरेज खरीद सकते हो, नहीं तो आपके पास जो गैरेज है ना उसी को आप अपग्रेड कर सकते हो कुछ इस प्रकार। तो ये देखिए, फिलहाल मेरे पास ये वाला जो गैरेज है ना, इसको मैं अपग्रेड करता हूँ। तो ये वाला जो नीचे वाला है ना, नैन्सी वाला, ठीक है? मेरे पास दो गैरेज है फिलहाल। तो आप पहले तो आप अपग्रेड ही कर लेना, अपग्रेड मतलब कम पैसे में हो जाएगा, और नया गैरेज खरीदोगे तो उसके लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो ये नैन्सी वाला है ना, इसको मैं यहाँ पे देखिए कैपेसिटी 5 की दिखा रहा है, ठीक है? और मेरे पास ट्रक भी इसके अंदर 5 है, तो इसकी जो कैपेसिटी है ना वो फुल हो चुकी है फिलहाल। तो इसको मतलब यहाँ पे 5 की कैपेसिटी दिखा रहा है ना, 5 की। तो जैसे मैं अपग्रेड पे क्लिक करता हूँ ना, अपग्रेड पे 8181 मतलब ये जो पैसे लगेंगे, कॉइन लगेंगे, ये इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कैपेसिटी 6 की हो चुकी है इसके अंदर, और ट्रक है मेरे पास 5 है, ठीक है? कैपेसिटी 6 की हो चुकी है। अब मैं एक नया ट्रक खरीद सकता हूँ इसके अंदर, मैंने इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी है। आप कैपेसिटी बढ़ा देना, ठीक है? आपके ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। तो यहाँ पे आते हैं, और अब वो जो ट्रक था ना, वो मैं आपको एक बार खरीद के दिखा देता हूँ इसके अंदर। तो भाई ये वाला ट्रक था, ठीक है? परचेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, और ड्राइव योर सेल्फ के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप चाहो तो अपना गैरेज भी चेंज कर सकते हो, इसके अंदर चेंज हो जाता है गैरेज यहाँ पे क्लिक करके। और ये जो स्लॉट 6 लिखा हुआ है ना, देखिए 5 मेरे पास पहले से ट्रक थे, स्लॉट 6 के ऊपर क्लिक करके जो असाइन है ना, असाइन के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये ट्रक भाई मैंने यहाँ पर देखिए खरीद लिया है इसके अंदर, ठीक है? ये देखिए ये वाला ट्रक यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? और भाई देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रक को आपको बेचना कैसे है, ठीक है? अगर आप मतलब खेलते खेलते मन भर गया तो आप ट्रक को बेच भी सकते हो। तो कुछ इस प्रकार देखिए, जैसे मान लीजिए ये वाला जो ट्रक है ना, ये वाला ही ट्रक है, ठीक है? इसको अगर मैं बेचना चाहूँ तो यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, और जैसे सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस ट्रक के मेरे को मिल रहे हैं यहाँ पे 5,000, ठीक है? तो यस पे क्लिक करूँगा, मतलब जितने का आप ट्रक खरीदोगे ना उसका आधा पैसा इसके अंदर मिल जाता है। अगर आप उसको मॉडिफाई करने में पैसे लगाओगे तो उसके भी आधे इसके अंदर मिल जाते हैं। कुछ इस प्रकार आप ट्रक को बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। और जो ट्रक आपने यहाँ पर ड्राइव पर लगा रखा है उसको आप बेच नहीं सकते। उसको बेचने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ ट्रक को चेंज करना होगा, उसके बाद ही यहाँ सेल का ऑप्शन आएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार, ठीक है? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।